व्यवस्था विवरण 4 उसका 9 वचन, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। क्या लिखा, परमेश्वर क्या बोल रहा है, दूसरों के विषय में सचेत रहो, दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें सचेत रहो। क्या लिखा है यहाँ पे, हा? क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या चीज है, अपने विषय में सचेत रहो। आज हम अपने विषय में कम सचेत है, दूसरों के विषय में ज्यादा सचेत सचेत है, दूसरों की उद्धार की ज्यादा चिंता है हमें, अपने उद्धार की नहीं। प्रभु क्या कहता है, अपने विषय में, किसके विषय में बोलो, अपने विषय में बोलो, अपने विषय में, मेरे विषय में, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। किसकी सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है, मन। हम कहते हैं हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला कौन है, कहाँ है, हमारे भीतर। तुम अपने मन की चौकसी करो, सचेत रहो, जो जो बातें तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा हुई हैं, वो कहीं जाती ना रहे। तुम प्रभु के उपकारों को भूल ना जाओ, प्रभु की बातों को भूल ना जाओ। आप जानते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विश्वासी के जीवन में, जब वो प्रभु के उपकारों को भूल जाए। यहां परमेश्वर कह रहा, अपने मन की चौकसी करो, कहीं वो बातें तुम्हारे मन से निकल ना जाए कि प्रभु तुम्हें कहां से निकाल के लाया, प्रभु ने क्या चीजें तुम्हारे जीवन में की हैं, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा ना दे। हालेलुया, उनको याद रखना, रोज धन्यवाद करना। अभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू वही परमेश्वर है जिसने, परमेश्वर, लाल समुंदर को दो भाग किया, तू वही परमेश्वर है जो मिस्र से अपने लोगों को निकाल लाया। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के कामों को उसको याद कराते हैं कि तू कितना सामर्थी है और किस रीति से तूने उन लोगों को छुड़ाया। हालेलुया, ऐसे ही जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हम वो बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने की हैं उनको बताना जरूरी है। प्रभु यहां पे क्या कह रहा है इसराइलियों को, कि वो बातें, वो आशीषें, वो भलाइयां जो मैंने तुम्हारे जीवन में की हैं, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा ना दे कि वो तुम्हारे मन से निकल जाए, बल्कि वो चीजें, वो सामर्थ, वो धन्यवाद करना, अपने पोतों को भी सिखाना, अपने पर पोतों को भी सिखाना कि परमेश्वर कैसे अपने दाहिने हाथ से निकाल लाया तुम्हें मिस्र से। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास की दौड़ दौड़ रहे हैं, तो हमें रोज रोज परमेश्वर की भलाइयां जो हमारे जीवन में हुई है लोगों को बताने की जरूरत है, अपने परिवार को बताने की जरूरत है, अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। रोज विश्वासी को जब भी फोन करे लोगों को अपनी टेस्टिमनी दे। प्रभु कह रहा तुम्हारा मन तुम्हें धोखा ना दे कि वो बातें तुम्हारे मन से निकल जाए। रोज टेस्टिमनी देना, रोज अपनी गवाही देना दूसरे को। शैतान हमारा फोकस जो आगे की चीजें उन पर लगा के रखता है और हमें क्या करता, उसमें हम इतना उलझ जाते हैं कि जो परमेश्वर ने पीछे हमें आने साथ किया है हम उसको भूल जाते हैं और यही हमारा मन हमें धोखा देता है। हालेलुया, हमारा मन हमें यही धोखा देता है कि तू सारी भूल जा, प्रभु ने क्या किया तेरे साथ, अब देखिए तेरा काम अटका पड़ा है, ये देख प्रभु लगता है ही नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे, उसको याद कराना, शैतान भाग यहां से, याद, मुझे याद है मेरा परमेश्वर मुझे कहां से निकाल के लाया, क्या क्या भलाइयां उसने मेरे साथ की है, मुझे याद है वो आत्मा से भरना, वो प्रभु का छूना, मुझे याद है वो परमेश्वर का प्रेम।
आप, मैं आपको बता रही हूं, शैतान आपको आपकी उस जो प्रॉब्लम है वो भी छोड़ के भागेगा, वो इसीलिए ताकि आपको उस चीज में उलझा के प्रभु की भलाइयों से दूर कर दे। बहुत इन दिनों में जो सबसे ज्यादा विश्वासियों के जीवन में प्रॉब्लम, वो भूल चुके हैं भलाइयों को, वो भूल चुके हैं लाल समुंदर के दो भाग, वो भूल चुके हैं पिछली ब्लेसिंग को, वो आगे की कुड़कुड़ाहट। और यही शैतान चाहता है, ये आपका मन आपको धोखा दे रहा है। प्रभु ने कहा अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की चौकसी करो, तुम्हारे मन से वो बातें जाती ना रहे जो यहोवा ने तुम्हारे लिए की है। हालेलुया। रोज चाहे तो किसी को अपनी टेस्टिमनी दो, अगर आपको लगे आज कोई नहीं मिला कोई बात नहीं, जब आप घुटने टेको आप प्रार्थना करो, सबसे पहले अपनी गवाही बोलो, परमेश्वर तूने मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे मौत के मुंह से निकाला, तूने मेरा उद्धार किया, तूने मेरे पाप क्षमा की। मैं याद करता हूं वो पहला दिन प्रभु, मैं याद करता हूं वो चीज परमेश्वर। मैं आपको बता रही हूं अब कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु क्या कह रहा है, जो काम मैंने तुम्हारे साथ किए तुम अपने बेटे पोते पर पोतों को भी बताना कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया। हालेलुया। अपनी टेस्टमनी देना रोज, रोज धन्यवाद निकलेगा, आपका वातावरण चेंज होगा सारा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं सच में बोल रही हूं, जब मैं प्रभु का धन्यवाद करने बैठती हूं मुझे सबसे पहले रोना ही आता है। प्रभु किस भूरे से उठाया तुम, प्रभु वजूद ही नहीं था लाइफ का कोई, खत्म थी जिंदगी, धन्यवाद से भर जाता मन, बिना रोए आंसू निकल रहे होते हैं, बिना रोए रोना आ रहा होता है। सालों हो चुके हैं, एक भी दिन दुनिया की आशीषें, दुनिया की चीजें, दुनिया की ब्लेसिंग, दुनिया की किसी चीज में मत खोइए, वो प्रभु का है सब, आपको प्रभु के साथ रहना है। आप सोचो आप जिसकी सेवा कर रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन ही नहीं है, हाँ? प्रभु भी क्या सोचता होगा, कहना मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, मेनू तो मिलन आंदा नहीं, मैं तो पूछता भी नहीं कितना करना है क्या करना है, और ये कहता मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, हाँ? आज ऐसे ऐसा हो चुका है, लोग सेवा में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो परमेश्वर से पूछना भूल गए कि क्या करूं। मैंने कहा प्रभु सेवा तेरे लिए है, तेरे बिना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए तेरी खुशी के लिए, ये वो चीजें करते करते तेरे साथ कनेक्शन खत्म करना, ये सेवा नहीं चाहिए मुझे। आप समझ रहे हैं, कई बार हम दुनियावी चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उससे हम मिलते ही नहीं है। प्रभु के साथ पहले संबंध हमारा, धन्यवाद हमारा, उसकी भलाइयों को याद करते हुए। एक कुरंथियों 6:9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस हों। भले हम मसीह में आ गए, लेकिन अगर मसीह में आने के बाद इनमें से कोई भी चीज आपके भीतर है, आपको क्या लगता है आप स्वर्ग में गालियां दोगे? हाँ, स्वर्ग में गालियां दोगे? अगर आपको आदत यहाँ पे है अभी भी, प्रभु लेके ही नहीं जाएगा गाली देने वाला, प्रभु कहेगा यहीं पे रहो। पियक्कड़, इसीलिए काम जारी है,
काम आपके ऊपर जारी है। दुनियावी चीजें, दुनियावी आशीषें देने का काम जारी नहीं है, काम आपके ऊपर जारी है। आपको सिद्ध और पूरा करने का काम जारी है, ताकि आपको परमेश्वर ताड़ना देके, दुख देके, परीक्षाओं में से निकाल के सिद्ध और पूरा और पवित्र करके स्वर्ग में एंटर कराए। हालेलुया। हमारा फोकस कहां है? प्रभु तुम पे काम कर रहा है, तुम बाहर काम कर रहे हो। हमें हमारे ऊपर काम करना है। प्रभु हम पे काम कर रहा, हमें भी प्रभु के काम, प्रभु कर जो कर रहा, प्रभु ये ठीक नहीं है, प्रभु निकाल इसको, मैं भी तैयार हूं परमेश्वर, मैं भी दुखी हो चुका हूं इस पियक्कड़पन से, मैं भी दुखी हो चुका हूं इस गाली निकालने से, प्रभु मुझे सच में काम कर, मेरे ऊपर ताड़ना कर परमेश्वर, मुझे सिखा, मुझे सिद्ध कर, दे दो, सौंप दो अपने आप को प्रभु को, सौंप दो। अगर नहीं सौंपा ना परमेश्वर को, तो यहीं पे रह जाओगे, फिर मत कहना परमेश्वर ने नहीं बताया आपको। हालेलुया। चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, प्रभु के तर स्वर्ग में नहीं जा रहे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूं, भीड़ तो लाखों की निकली थी मिश्र से, आज लाखों करोड़ों लोग मसीह हैं संसार में, लाखों और करोड़ों लोग, करोड़ों भी अरबों लोग होंगे मसीह, लेकिन कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं? उसके लिए क्या है? प्रभु कह रहा है दुख को ताड़ना समझ के सह लो। अगर आप तैयार हैं कि प्रभु मुझे सिद्ध कर, मुझे पूरा कर, मुझे परफेक्ट कर, प्रभु मुझे लायक बना कि मैं तेरी उस पवित्रता का भागी हो जाऊं। मैं आपको बता रही हूं, कलीसिया अपना फोकस खो चुकी है। आज संसारिक वस्तुएं, संसारिक चीजें, संसारिक लोभ, इन्हीं चीजों के पीछे इंसान भाग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, प्रभु आपके पीछे भाग रहा है आज। प्रभु आपको सिद्ध करना चाहता है। आप सोचो, आप चिन्ह चमत्कार, आपके घुटने में दर्द है, ठीक हो गया, आपको कार चाहिए, मिल गई, आपको बिजनेस चाहिए, मिल गया, क्या ये चीजें हमें स्वर्ग ले जा सकती हैं? नहीं, ये मिल जाएंगी, सब सब मिलेगा। प्रभु ने कहा हर एक, मेरा परमेश्वर वो प्रभु है जो 40 साल जब इजरायली लोग जंगल में से होके जा रहे थे, ना मकान थे, ना गेहूं था, ना भोजन था, कुछ नहीं था, 40 साल बाइबल में लिखा है, ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते छोटे हुए। समझ आ रही है आपको? जब उनको भूख लगती थी, स्वर्ग खोल देता था प्रभु, उनको खिलाता था। वही परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हो, उसी परमेश्वर, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होने देगी, जैसे ही तुम्हें जरूरत होगी परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। और इस चीज का आप खुद गवाह हो, अकेले अकेले यहां पर, कि जब जब आपको जिस चीज की जरूरत हुई परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया, कैसे ही किया लेकिन प्रभु ने किया। इस चीज के हम सब गवाह हैं, मैं खुद गवाह हूं, मैं रोज रोज प्रभु की चीजों को देखती हूं कि जब जहां पे जो चीज जरूरत है वो चीज हो जाती है। फिर हमारा ध्यान कहां है? फिर भी हम उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं। निर्बुद्धियों के समान चलने का समय नहीं है, वैसी प्रभु प्रभु करने का समय नहीं है। प्रभु 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 ना जीवन में ना कहीं, प्रभु 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 नहीं जा रहे प्रभु प्रभु करने वाले। अगर आप हर दिन अपना क्रूस उठा के नहीं चल रहे, आप पाप का इनकार नहीं कर रहे, आप बुराई को नहीं डांट रहे, आप काम नहीं कर रहे अपने जीवन में, भूल जाओ। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ध्यान रखो, अपने विषय में सचेत रहो। प्रकाशित वाक्य 21:8, परंतु डरपोकों और अविश्वासी, अविश्वासी अविश्वासी कौन? प्रभु को जानकर भी उस पे अविश्वास करने वाले, और घिनौने काम करने वाले, और हत्यारों, हत्यारे, और व्यभिचारियों, और व्यभिचारियों, और टोनों,
और मूर्ति और जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये आठ चीजें अगर आपकी लाइफ में इनमें से एक भी है तो आपका भाग आग और गंधक है। समझ रहे हैं आप? इसमें से कोई भी चीज आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। अगर आप बचना चाहते हैं हर तरह का डर, प्रभु ने कहा अपने प्राण से बढ़कर प्रभु से प्रेम कर। जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा। हालेलुया। 27 वचन भी पढ़ेंगे इसका। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। धोखा मत खाइए। हमें मैं प्रभु में आ गया बस अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। अभी भी आप झूठ गढ़ रहे हैं, अभी भी घिनौने काम कर रहे हैं, अभी भी जादू टोने कर रहे हैं, अभी भी प्रभु कह रहे हैं वो किसी रीति से प्रवेश नहीं करेंगे। कितनों को समझ में आ रहा? अब जब हम मसीह में हैं, हमें अपनी लाइफ को पवित्र रखना है। जहां भी कार्य करने की जरूरत है, जो भी चीज है, क्योंकि बाइबल क्या है? एक आईना है। ये एक आईना है। जब आप इसको पढ़ते हो आपको अपने दाग दिखाई देते हैं। आपको लगता है अरे मैं लालची बहुत हूं, मुझे किसी की चीज दे के मन में लालच बड़ा आता है, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। जब आप एक लाइन पढ़ रहे हो कि तू किसी की वस्तु का लालच ना करना, और आप जब भी किसी की वस्तु देखते हो आपको लालच आ जाता है। किसी की गाड़ी देख रहे हो, किसी का कपड़ा देख रहे हो, किसी के घर देख रहा है, प्रभु काश ही मेरे पास होता। यहां पे क्या लिखा? तो आपको समझ में आया? पहले नहीं पता था, आपको लगता था तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मली बात है, तो सबको ही होता होगा। लेकिन अभी जब आप प्रभु के में आए और आपने वचन पढ़ना शुरू किया तो आपको लगा कि ये तो पाप है, ये चीज करना तो गलत है। और आपने पढ़ते पढ़ते कहा प्रभु नहीं, सच में मैं बहुत लालच करता हूँ दूसरों की चीजों का, अब प्रभु मुझे ये पाप से दूर कर, प्रभु मुझे नरक नहीं जाना। और आप प्रेयर कर रहे हो अपने लिए। समझ आ रही है आपको? प्रभु आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को पहचानना। आप जानते जब मैं मसीह में आई एक ही प्रॉब्लम थी। लाइफ में कुछ लोग थे जिनको मैं माफ नहीं कर सकती थी, ज्यादा नहीं, दो तीन। और मुझे लगता था नहीं ये कभी नहीं होगा, प्रभु जो मर्जी करवा ले इनको माफ नहीं करना कभी। बदले की भावना मन में, और बहुत गुस्सा आता था। और जब भी मैंने बाइबल पढ़नी, जैसे ही बाइबल खोल ली, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों को माफ करो। और मैं अब यकीन नहीं माने कितना टाइम मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे लगता था कि एक ब्रेक लग गया है, एक ब्रेक लग गए हैं और मैं आगे नहीं बढ़। जैसे ही प्रार्थना करने बैठूं, जैसे ही वचन पढ़ूं, वही चीज वही चीज वही चीज। और मैंने रोना चिल्लाना, प्रभु नहीं होगा मुझसे, बहुत मुश्किल है, सारे काम करवा ले, जो कहेगा कर दूं, ये नहीं होगा प्रभु मुझसे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक संघर्ष, एक बहुत युद्ध चल रहा है। और मैं सच में मैंने कितना टाइम फाइट की उस चीज से। मैं बढ़ना चाहती थी प्रभु में, मैं बढ़ना चाहती थी। और एक टाइम आया मैंने कहा नहीं प्रभु, अगर ये बैरियर है मेरा ना बढ़ने का। मैं बहुत रोई उस दिन, मैं दिहाड़े मार के रोई, क्योंकि मुझसे बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना ये चीज। हो सकता है आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो ये। आपने आप किसी ने आपको इतना पीड़ा दी हो, आपने फेथ किया हो किसी पे और उसने आपको इतना दर्द दिया हो, इतना दुख दिया हो, और आपके मन में कड़वाहट हो उस व्यक्ति के लिए।
आसान नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, माफ करना ये फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग नहीं है, ये करना पड़ता है और उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है खुद से। और जैसे ही मैंने ये चीज की अपनी लाइफ में, मैंने अपने अंदर महसूस किया कि एक बहुत बड़ा, कहते ना बांध जो होता है वो, उसके फाटक खुल गए हैं और एक फ्लो मेरी लाइफ में आया आत्मा का। और मैंने महसूस किया उस स्पिरिट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु खुद बताएगा क्या बैरियर है तेरी लाइफ में, क्यों तू नहीं बढ़ पा रहा, क्यों तू नहीं बढ़ पा रही, क्या चीजें हैं, पहले इसको कर। मसीह में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, सबको उसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आप जब बढ़ रहे हैं, आपको देखना है कौन सी चीज, कौन सी चीज, कौन सी मेरी बुरी आदत, कौन सी मेरी मिश्र में जो मैंने ली थी, कौन सी चीज अभी मेरे अंदर है, और आपको फिर वर्क करना, उसके लिए प्रार्थना करनी है, रोना है और प्रभु से कहना, प्रभु निकाल, बस बस बहुत हो गया, प्रभु बहुत मैंने गलती कर ली, अब बहुत गलत चल रही है, अब नहीं, अब मैं ध्यान रखूंगा प्रभु, अब मुझे फ्री कर इन चीजों से। आप देखना होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आज मसीह लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं पहचानते, हम सचेत नहीं अपनी आत्मा को लेकर, अपनी दौड़ को लेकर, हमें सचेत होना अपनी दौड़ को लेकर। वचन में अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारे जीवन में है, एक फ्लो आ रहा है, सोचो पानी का, और आगे नदी है, वो नदी में जाना है, बीच में एक बड़ा पत्थर है, समझ आ रही है, और वो पत्थर क्या है, उस फ्लो को रोक रहा है जो प्रभु देना चाहता है, जो फ्लो ऊपर से आ रहा है, वो पत्थर जो है वो आपकी कोई वीकनेस, कोई बुरी आदत, कोई चीज जो वचन में है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं की, वो बैरियर है। जैसे ही आप उस चीज को हटाओगे, मैं आपको बोल रही हूं, पूरा फ्लो आपकी लाइफ में आ जाएगा। हालेलुया। उस पत्थर को पहचानना है, वो पत्थर क्या है जिसने मेरे फ्लो को रोक रखा है, जिसने मेरी आशीष को रोक रखा है। हालेलुया। हमें लगता है वो पास्टर बोल देगा, आशीष आ रही है, आशीष आ रही है, और आप बैठ के दारू पी रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, अंधेर कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, और पास्टर कह रहा है आशीष आ रही है, आशीष आ रही है, तू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आपको लग रहा हाँ मैं बढ़ रहा हूं। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आपको अपने आप को रेडी करना है, यही धोखा है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ट्रांसफर कर देगा, अगर वो ट्रांसफर कर भी दे, अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं, आपने बर्तन तैयार नहीं रखा हुआ, अपने आप को वो आशीष, वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग तैयार नहीं किया और लेने के लिए, वो आएगी और चली जाएगी, वो चली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको रेडी रहना, आपको भी तैयार होना है। यही धोखा खा रहे हैं आज लोग। हालेलुया। इब्रानियों 5 उसका 7 पढ़ेंगे हम। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिसदिक की रीति पर महायाजक का पद मिला। जब आप आज्ञा को मानते हैं, आसान नहीं, आज्ञा मान पाओगे दुख उठा उठा कर, आज्ञाकारिता आसान नहीं है। लिखा है वो अपने शरीर के दिनों में आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमें भी
आज्ञाकारिता दुख उठाकर अपने आप को खत्म करके ही माननी सीखनी होगी। हालेलुया। इब्रानियों 6 उसका 11 और 12। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। प्रभु कह रहा है आलसी मत बनो। क्या कह रहा है परमेश्वर? हम अच्छी दौड़ को शुरू करते हैं, अच्छा भागते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं, हम परेशानियों में उसमें, और हम आलसी हो जाते हैं। प्रभु कहता है कि अपनी आशा में सदा आनंदित रहो अंत तक। कब तक? अगर आप अपने चारों तरफ नजर उठाएं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपके साथ अपनी दौड़ को शुरू किया था, वो आपके साथ चले थे, आपके साथ मसीह में आए थे, लेकिन आज वो नहीं है उस दौड़ में। वो आपके साथ चले थे, अच्छे से चले थे, लेकिन आज वो नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? वो अपनी दौड़ से वंचित हो चुके हैं, वो अपनी दौड़ से हट चुके हैं, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने आपको बना के रखा है, आपको खड़े रखा, आपको परीक्षाओं में परमेश्वर ने बनाया, आपको परखा, आपको सिद्ध कर रहा है परमेश्वर। हम बने हुए हैं, हमें इस बात से आनंदित होना है। दूसरा गिर गया, इससे आनंदित नहीं होना, लेकिन अगर हम खड़े हैं इसके लिए धन्यवाद करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ले जाता है। ऐसे दौड़ो कि इनाम तुम पाओ। हालेलुया। दौड़ में दौड़ना, मसीह दौड़ में आप देखोगे बड़ी अच्छी शुरुआत, बड़ा प्रभु प्रभु फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी परीक्षा आई, और प्रभु अभी बना रहा है, ठीक कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, ताकि तुम्हें तैयार करके अपनी इच्छा को पूरी करे। लेकिन दौड़ गए, परीक्षा में दौड़ गए। हालेलुया। आप सोचो अगर इजरायली लोग अपने उस दिन को याद रखते कि हम 430 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे, हमारे बाप दादा भी शैतान की गुलामी में रहे, और परमेश्वर ने हमें किस रीति से, जो कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति था फिरौन राजा, पूरे संसार में उसका अधिकार था, और उस इतने ताकतवर व्यक्ति और उसकी फौज से इसराइलियों को आजाद कराना मामूली बात नहीं थी। और प्रभु ने अपने अकेले एक दास के द्वारा, मूसा के द्वारा, इतने लोगों को अपनी सामर्थ्य आग बरसा देता था प्रभु। मरी फैल गई उस राज्य में, पहलोटे मर गए राजा के जब उसने लोगों को गुलामी से नहीं छोड़ा। इतना कुछ परमेश्वर ने किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, और लिखा है वो झट उसके कामों को भूल गए, झट एक चमत्कार, दो चमत्कार, इतने बड़े बड़े मिरिकल्स किए, और वो जैसे ही निकले जरा सी प्रॉब्लम आई भूल गए पिछले, जरा सी प्रॉब्लम आई भूल गए पिछले। अगर वो लोग वो दिन याद रखते, अपनी वो गुलामी, वो पीड़ा, वो स्ट्रगल को याद रखते, और किस रीति से प्रभु ने उनको छुड़ाया था, अगर वो उसको याद रखते तो वो पक्का कनान पहुंच जाते। हालेलुया। वो कनान क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो गवाही को भूल गए थे, वो प्रभु के कामों को भूल चुके थे, और कुड़कुड़ाते थे उनके अपने जीवन में। इसीलिए अपनी टेस्टमनी को हम ना भूलें, तो रोज अपनी प्रार्थनाओं में अपनी गवाही को, अपनी गवाही को, प्रभु तूने मुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, प्रभु तूने मुझे बंधनों से आजाद किया, मृत्यु की सामर्थ से आजाद किया, प्रभु डर से आजाद किया, परमेश्वर याद करो किस रीति से, किस हाथ के द्वारा प्रभु ने आपको छुड़ाया। आप देखो जैसे जैसे आप याद करोगे और धन्यवाद करोगे, आपके काम दूत करेंगे जाके। इसराइलियों ने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था,
उल्टा कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ। हालेलुया। करना क्या था? धन्यवाद, प्रार्थना करनी थी, धन्यवाद करना थी, उसकी भलाइयों को याद कराना था कि प्रभु तूने मुझे क्या किया। कर क्या रहे हैं? परमेश्वर की बुराई, उसके दास की बुराई। अभी प्रभु क्या करेगा? ब्लेस करेगा या मारेगा? और हम कह रहे प्रभु तू ब्लेस कर। तुम क्या कर रहे हो और तुम प्रभु से क्या कह रहे हो करने के लिए? इसीलिए प्रभु ने कहा अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। वो मन कहता है भूल जा जो किया था, ये देख ये काम अटका हुआ, अभी यहीं पे फोकस कर। प्रभु ने कहा तू अपने पोते पर पोते आगे पीढ़ियों को भी बता कि तेरे कितना बड़ा महान काम परमेश्वर ने तेरे लिए किए। अगर प्रभु इस बात में खुश होता है कि हम उसकी भलाइयों को याद करें और उसकी गवाही दें, तो हमें कितना अधिक ये करने की जरूरत है जिस बात से हमारा प्रभु खुश होए। हम कहते हैं हम प्रभु तुझे खुश करना चाहते हैं, तो पढ़ो बाइबल प्रभु क्या कह रहा है, मैं कैसे प्रसन्न होता हूं। वो कहता है मेरे उपकारों को मत भूलो। जैसे वो प्रसन्न होता है उसको प्रसन्न करो, जो वो कह रहा है वो करो। आज हम ज्यादा ही फिलोसफी झाड़ने लगे हैं अपनी जिंदगी में। सीधा सीधा वचन है प्रभु का, सिंपल साधारण वचन है प्रभु का, उसको सुनो और करो। हालेलुया।